हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रेसिपी है खमन। आज मैं आपको सूजी और बेसन से तुरंत ही खमन बनाकर बताऊंगी, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसके लिए थोड़ा सा बेसन लेंगे और बेसन के बराबर ही सूजी लेंगे, फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका बैटर तैयार कर लेंगे। थोड़ा पानी और डालेंगे। खमन के लिए इस तरह से बैटर तैयार करेंगे, ना गाढ़ा और ना ही पतला। फिर इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच शक्कर और थोड़ा दही डालेंगे और सभी को बैटर में मिक्स कर लेंगे। एक कंटेनर में ज़रा सा तेल डालेंगे और इसे ब्रश की सहायता से चारों तरफ फैला देंगे। अब एक इनो डालेंगे और इनो को बैटर में तुरंत ही मिक्स कर देंगे। इनो डालने के बाद बैटर को ज़्यादा देर बाहर नहीं रखेंगे और तुरंत इसे कंटेनर में डाल देंगे। फिर इस कंटेनर को इडली स्टैंड में रख देंगे। और इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढककर तेज आंच पर पकने देंगे। खमण पक रहा है तब तक हम इसका तड़का तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा तेल डालेंगे, उसमें राई, फ्रेश कड़ी पत्ते डालेंगे। अब हरी मिर्च डाल देंगे और इन्हें कुछ देर तेल में पकने देंगे। हरी मिर्च सॉफ्ट हो गई है, अब इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, एक चम्मच शक्कर और एक नींबू का रस डालेंगे। और इस पानी को अच्छे से उबाल लेंगे। इसमें उबाल आ गया है, अब गैस बंद कर देंगे और इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने देंगे। अब खमण को चेक कर लेते हैं। एक साफ चाकू लेंगे और चाकू को खमण में लगाकर देखेंगे। चाकू अगर साफ निकलता है तो खमण हमारा बनकर तैयार है। अब इस कंटेनर को बाहर निकाल लेंगे और इसे भी ठंडा होने देंगे और इस पर हमने जो तड़का तैयार किया था उसे डाल देंगे और खमण में कट लगा देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, टेस्टी खमण बनकर तैयार है। तो आप भी फ्रेंड्स एक बार इस तरह से ज़रूर बनाकर देखिएगा। आपको अगर यह रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।